ये BOE का फर्स्ट पेपर है जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है 11 तारीख को, उसका सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट पेपर क्या सेक्शन ए का, 30 क्वेश्चंस हैं ईच 1 मार्क्स के। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। फॉर द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड हाइट अ बीम ऑफ आई सेक्शन टेक्स मोर लोड देन ए बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन बिकॉज, उसका क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस ऑफ आई बीम इज ग्रेटर। ये तो है पहला, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन आई बीम इज ग्रेटर, नहीं, इसलिए पहला क्वेश्चन आंसर सही है। और दूसरा क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन इज हायर देन दैट ऑफ फोर्स ड्राफ्ट फैन फॉर ए बॉलर यूजिंग बैलेंस ड्राफ्ट बिकॉज, ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लू गैस इज लेस देन दैट ऑफ एयर, ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर इज लेस देन दैट ऑफ फ्लू गैस। बी नंबर, बेड कॉइल ट्यूब्स ऑफ ए फ्लूडाइज्ड बेड कंबसन बॉयलर आर स्टडेड, बेसिक्स हैं टू इंक्रीज हीट ट्रांसफर। फोर्थ क्वेश्चन है, चूज द फ्यूल विद द हाइस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, कोल, बैगेज, लिग्नाइट, म्यूनिसोर सॉलिडवेयर। सॉलिडवेयर से इतना आता नहीं है, बैगेज से इतना नहीं आता है, लिग्नाइट कम वाला है, कोल एंथ्रासाइट ज़्यादा है। तो पहला कोल। ए बॉयलर इज परमिटेड टू ऑपरेट एट ए मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 17.5 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर इन एन FPS स्टैंडर्ड प्रेशर गेज फिटेड इन द बॉयलर इज करेस्पॉन्ड टू, PCI वाला यूज करना है, जिसमें जो KG में दिया है उसको PCI में कन्वर्ट करेंगे। PCI में कन्वर्ट करेंगे तो 250 के आसपास आता है, करके देख सकते हैं। हीट एडेड टू वाटर इन द इकोनोमाइजर इज सेंसिबल हीट। द पावर ट्रांसमिटेड बाई ए शाफ्ट इज वॉट इज गिवेन बाई 2π NT/60 टॉर्क। प्रोड्यूसर गैस मैनली कंटेंट, प्रोड्यूसर गैस कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम, स्टीम है नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन है, मेथेन नहीं होता है, हाइड्रोकार्बन होता है लेकिन इसमें कार्बन डाई मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन भी है प्रोड्यूसर गैस। कोल्ड एंड कोरोजन इन बॉयलर इज मैनली इन्फ्लुएंस्ड बाई सल्फर कंटेंट इन फ्यूल, सही है, फ्यूल एज कंटेंट सी। क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एयर डज नॉट इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ एयर के प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, वो है डेंसिटी। द आइडियल शेप ऑफ प्रेशर वेसल फ्रॉम स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड मिनिमम मटेरियल इज, प्रेशर वेसल के लिए जो है अभी हमारे इधर जो भी बॉयलर यूज किया जाता है वेसल टाइप का या हीटर्स हो गया, वो सब सिलेंड्रिकल्स होते हैं और स्फेरिकल भी किया जाता है, लेकिन प्रेशर वेसल जो भी बनाया जा रहा है अभी बॉयलर साइड में वो सिलेंड्रिकल होता है। 12th क्वेश्चन, रीहीटर रिसीव स्टीम फ्रॉम सुपर हीटर डेरेटर इकोनोमाइजर हाई प्रेशर टर्बाइन आउटलेट। 3rd नंबर, 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर इज मोस्ट एफिशिएंट इन कंबसन, फ्लूडाइज्ड बेड कंबसन। पावर बॉयलर इज जनरली बॉयलर ट्यूब बॉयलर, इफ
द इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज डी सेंटीमीटर, हाइट इन एल सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड इन लीटर्स, लीटर्स में बताना है। तो पाई डी स्क्वायर एल बाई 4000, सी नंबर। नेचुरल सर्कुलेशन इज लिमिटेड टू, नेचुरल सर्कुलेशन किस में होता है, सब क्रिटिकल। फॉलोइंग टाइप ऑफ पंप इज प्रिफर्ड, ये सब फीड पंप इज हाई प्रेशर बॉयलर, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, बॉयलर में जो यूज किया जाता है मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, प्रेशर के लिए रिसीव एवोटिंग है लेकिन फ्लो अमाउंट भी चाहिए इसलिए मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। 18th क्वेश्चन, प्लेटिन सुपरहीटर ऑब्जर्व हीट मेनली बाय कन्वेक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। द क्रिटिकल प्रेशर ऑफ स्टीम इज, क्रिटिकल प्रेशर बताना है स्टीम का, तो 221 बार में होता है केजी में, 225 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बॉयलर माउंटिंग, बॉयलर माउंटिंग बताना है हमको, टेक्नोमाइजर नहीं है। टाइप्स ऑफ वॉल्व यूज फॉर आइसोलेशन स्टीम और वाटर पाइपिंग, गेट वॉल। इन ए बॉयलर द सेटिंग ऑफ सेफ्टी वॉल्व ऑफ ए बॉयलर ड्रम कंपेयर टू दैट द मैन स्टीम लाइन, मैन स्टीम लाइन से बॉयलर ड्रम का सेफ्टी वॉल्व सेटिंग हायर साइड में होता है, लेकिन कंपेयर किसके साथ करना है, इन ए बॉयलर द सेटिंग ऑफ सेफ्टी वॉल्व ऑफ द बॉयलर ड्रम कंपेयर टू दैट द मैन स्टीम लाइन से, मैन स्टीम लाइन से ज़्यादा होता है, हायर वैल्यू पे सेट होता है बॉयलर। द पॉइंट एट विच एलोंगेशन ऑफ ए मटेरियल इज क्वाइट लार्ज इज कंपेयर टू द इंक्रीज इन लोड इज नोन एज द अपर यील्ड पॉइंट। एचपी हीटर आर प्रोवाइडेड इन बॉयलर फॉर इंक्रीजिंग साइकिल एफिशिएंसी, टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर, प्रेशर ऑफ फीड वाटर, प्रेशर तो नहीं है, साइकिल एफिशिएंसी और टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर, तो बोथ ए एंड सी। 25th क्वेश्चन नंबर, हाई परसेंटेज ऑफ CO इन फ्लू गैस ऑफ द बॉयलर इंडिकेट, कंप्लीट कंपेरिजन तो नहीं है, गुड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, लो एक्सेस एयर, सही है, लो एक्सेस एयर। इन ए बॉयलर द बिगेस्ट हीट लॉस इज ड्यू टू मॉइस्चर इन फ्यूल, इससे भी लॉस होता है, ड्राई फ्लू गैस इससे भी होता है, रेडिएशन कन्वेक्शन अनबर्न करने से होता है, ज़्यादा किससे होता है, ड्राई फ्लू गैसेस। रीहीटिंग इम्प्रूव्स ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम इंटरिंग लास्ट स्टेज ऑफ, ये भी ठीक है, ओवरऑल था साइकिल एफिशिएंसी, ये भी ठीक है, मतलब बहुत ही एंड स्पी। ब्लू डाउन ऑफ द सेफ्टी वॉल्व इज सेट प्रेशर माइनस रीसेटिंग प्रेशर बाय सेट प्रेशर, एक्सीएल फ्लो पंप इज स्टार्टेड विथ इट्स डिलीवरी वॉल्व इज फुल्ली ओपन, एक्सीएल पंप ओनली सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन स्टार्टेड विथ फुल्ली क्लोज। इंक्रीज ऑफ द स्टीम प्रेशर हैज द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन स्टीम, स्टीम प्रेशर इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट आएगा स्टीम पर, तो स्टीम टेम्परेचर गोज अप एंड एंथैल्पी ऑफ एवेपोरेशन गो डाउन, नहीं, स्पेसिफिक वॉल्यूम गोज डाउन, ठीक है ये डाउन तो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा प्रेशर ज़्यादा बढ़ने से, और एंथैल्पी ऑफ एवेपोरेशन गोज अप, सही है।
नहीं, ठीक है।